Anish ji, welcome to Movie Talkies. The trailer looks like a lot of fun. What kind of responses have you been getting? लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि एक फन फिल्म है जो कि है और जिस तरह मैं फिल्में बनाता हूँ मैंने बनाई हैं नो एंट्री सिंग इज किंग वेलकम तो काफ़ी कॉमेडी है फिल्म के अंदर लेकिन इसमें थोड़ा इमोशन भी है थोड़े दिल को छूने वाली चीज़ें भी हैं और एक पूरी फैमिली के लिए फिल्म है मुझे लगता है कि फैमिली पूरी साथ में बैठ के ये फिल्म देख सकती है बिना उस डर के यार कहीं कुछ ऑकवर्ड मोमेंट तो नहीं होगा कोई डबल मीनिंग डायलॉग तो नहीं होगा खुश होकर देख सकती है अच्छा म्यूज़िक है अनिल कपूर हैं अर्जुन है आतिया है इलियाना है लंदन में और चंडीगढ़ में शूट किया हम लोगों ने और एक भरपूर हंसने वाली और मजे करने वाली फिल्म है सो इट्स अ क्लीन फैमिली एंटरटेनर क्लीन एंटरटेनर ओके सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू शूट विद एन एनसेंबल कास्ट यू ऑलवेज हैव अ ह्यूज स्टार कास्ट ऑलवेज बट इज इट डिफिकल्ट और नाउ यू हैव गॉट लाइक यूज्ड टू इट नहीं इस फिल्म में नहीं मुझे किसी भी फिल्म में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे लगता है कि जब आपके इंटेंशंस बहुत ऑनेस्ट होते हैं और जब एक्टर जो हैं मैंने इसके पहले जो फिल्में बनाई उसमें नाना पाटेकर भी थे अनिल कपूर भी थे फिरोज़ खान भी थे परेश रावल भी थे इलियाना भी अपने कैथरीना भी थी मलिका भी थी परेश भाई भी थे और अक्षय जी भी थे बहुत 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 लोग होते हैं तो जब आप फिल्म एक बहुत ऑनेस्ट इंटेंशन से बनाते हैं और जब सबके रोल करेक्ट होते हैं और वही आप शूट कर रहे होते हैं जो आपने सुनाया है और आप में वो एक कहीं ना कहीं वो लोग देखते हैं थोड़ी सी दीवानगी और एक वो पैशन आपके अंदर होता है फिल्म बनाने का तो मुझे लगता है नहीं उतना डिफ़िकल्ट होता है हाँ ये ज़रूर है कि जब बड़ी साकास के साथ फिल्म बनाते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं बट मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी रहा हूँ इस मामले में कि मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ इस तरह की नहीं आई सो वर दीज द एक्टर्स दैट यू हैड इन माइंड ड्यूरिंग द स्क्रिप्टिंग ऑफ द फिल्म नहीं ये फिल्म की स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखी है इसमें मैं राइटर नहीं हूँ मैं डायरेक्टर हूँ लेकिन मुझे लगता है कि जब एक राइटर डायरेक्टर को आप सिर्फ डायरेक्टर के तौर पे काम देते हैं तो आपको एक राइटर जो है फ्री में मिल जाता है तो इसमें जो भी छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा है मैंने काफ़ी काम किया है इस फिल्म के अंदर मेरे राइटर के साथ मिलकर और बड़ा मज़ा आया तो ये जो फिल्म है इसमें जो डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर मैंने काम किया है मुझे लगता है कि राइटर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है जब अगर आप सिर्फ एक डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं उनको सेटिस्फाई करना उनको कन्विंस करना थोड़ा आसान होता है बट व्हेन यू आर राइटर तो राइटर जो है उसको लगता नहीं यार यहाँ पे भी ठीक किया जा सकता है यहाँ पे भी तो मैं या तो वो राइटर के साथ जो है थोड़ी तकलीफ तो आती है So how did the germ of this idea come to you? What made you? मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई गई थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये फिल्म पे काम किया जा सकता है क्योंकि क्या ज़िंदगी का साल भर आपको लग जाता है एक फिल्म बनाने में तो वो जुड़ने के टाइम वो एक जहन में हमेशा रहता है कि यार एक साल क्या मुझे इस पिक्चर के लिए उतनी एक्साइटमेंट रहेगी उतना ही प्यार रहेगा तो वो डिसीज़न बहुत ही क्रूशल डिसीज़न होते हैं तो मुझे लगा कि यस ये इस तरह की फिल्म है जहाँ पर मैं एक साल अपनी ज़िंदगी का दे सकता हूँ और उसमें मुझे मज़ा आएगा तो अच्छी लगी कहानी उसके बाद साकास जो है वो भी एकदम बिल्कुल जो हम चाहते थे वैसा ही हो गया और आज मुझे लगता है शूटिंग ख़त्म जब हुई है उस शूटिंग के दरमियान भी मुझे कई मरतबा लगा और फिल्म के ख़त्म होने के बाद भी जब मैं आज स्क्रीन पे देखता हूँ अपनी फिल्म जब एडिट करता हूँ कि यार कितना अच्छा हुआ कि ये सही लोग इस सही फिल्म में मिल गए तो पिछली काफ़ी ऐसी फिल्म्स हैं जहाँ पे लोगों ने सिख प्ले किया है कैरेक्टर एंड दे गॉट इनटू ट्रबल विद सम सिक बॉडी और द अदर व्हाट डिड यू डू अबाउट इट नहीं मुझे लगता है कि मैंने जो पहली फिल्म बनाई थी सिंग इज किंग वो तो इसलिए मैंने बनाई थी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं सरदार और कहीं ना कहीं मेरी बहुत उनसे गहरी दोस्ती है और मुझे लगता है यार बड़ी ज़बरदस्त कौम है बड़ी कमाल की कौम है और इनके लिए अच्छी बात करना और अच्छी फिल्म बनाना तो मेरे इंटेंशन तो बहुत अच्छे और ऑनेस्ट थे इसलिए मैंने टाइटल रखा था सिंग इज किंग तो सेम चीज़ इसमें है इसके अंदर ये नहीं है कि भाई कुछ आप अलग चीज़ कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जहाँ उनको कुछ ऑफेंड होता है बिकॉज़ क्या एक ज़िम्मेदारी का काम होता है कि आप एक पूरी एक कम्युनिटी के लेकर दो लोगों को ये फिल्म चाहे हमारी इस तरह की है कि हर जगह लोगों को अच्छी लगेगी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पंजाब के लोगों को ही आइडेंटिफिकेशन हो ये महाराष्ट्र में ये खाली कैरेक्टर जो है वो ये है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर आपने सिर्फ कैरेक्टर दिखाया है तो उसको प्यार मोहब्बत से दिखाएँ और अच्छी तरीके से दिखाएँ जो हमेशा मैंने किया है और इसमें अनिल जी हैं जो पंजाबी अच्छी बोलते हैं अर्जुन को भी पंजाबी बहुत अच्छी आती है अर्जुन ने जब पहली मरतबा पग पहनी तो मुझे उसको देख के बहुत अच्छा लगा मुझे लगा यार कितना मुझे लगता है पग चीज़ ही एक ऐसी है कि एक नॉर्मल इंसान भी जब पहनता है तो उसमें कुछ एक रुबाब आ जाता है कुछ है तो
तो जब मैंने अर्जुन को देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिल्म जो बनाई है मुझे नहीं लगता कोई ऐसी तकलीफ वाली बात है। हमने वहाँ गुरुद्वारे में शूटिंग की है और इस तरह शूटिंग की है कि गुरुद्वारे के लोगों ने कहा कि यार आप लोगों ने जिस तरह शूटिंग की है हमने ये परमिशन आपको दी है, हमको बहुत अच्छा लगा। इसलिए कि देयर वाज एब्सोल्युटली पिन ड्रॉप साइलेंस इन दरबार, वहाँ पर कोई एक आवाज़ नहीं होती थी और बहुत खूबसूरत तरीके से पूरी इज्जत के साथ बहुत प्यार से हम लोगों ने शूटिंग किया था। और लुक को लेकर कुछ बताएं अर्जुन और इसके। अर्जुन जो है इसके अंदर एक जो है वो सरदार है जो मुझे तो बहुत प्यारा लगता है और कैरेक्टर भी उसका बहुत प्यारा है, बहुत मासूम है, बहुत अच्छा है, माँ बाप को सुनने वाला है और सबका इमोशन का ध्यान रखता है, ख्याल रखता है। वो तो कैरेक्टर बहुत प्यारा, बहुत इनोसेंट कैरेक्टर है और अर्जुन ने बहुत अच्छी तरीके से उस कैरेक्टर को निभाया है। दूसरा कैरेक्टर जो है वो पूरा बदमाश है, फुल ऑफ वो है जिसमें कॉमेडी हम कहते हैं, जिसमें मैं कह सकता हूँ वेलकम नो एंट्री वाली जो स्टाइलें होती हैं उस तरह का कैरेक्टर है। और करतार सिंह वो जो है वो फिल्म के अंदर जो है बहुत जीनियस किस्म के इंसान हैं जो बहुत अच्छे इंटेंशन से सबकी मदद करना चाहते हैं। वो अलग बात है कि वो जब जब मदद करना चाहते हैं तो चीज़ें गलत हो जाती है, बट बिल्कुल सुने का दिल है उस आदमी का, सबका अच्छा करना चाहता है, रिश्तों की उसको बहुत वैल्यूज़ है। इस पिक्चर में मुझे लगता है कि ये मुझे कहना बहुत ज़रूरी है कि कॉमेडी तो बहुत भरपूर है ही है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके दिल को छुएगी और आपकी आंखों को हल्का सा एक नमी मिलाएगी कि यार कितना अच्छा है। एंड हाउ वाज इट वर्किंग विद आथिया एंड इलियाना? इलियाना के साथ काम करना तो ये मेरी पहली फिल्म में मैंने काम किया फर्स्ट टाइम। मुझे लगता है कि इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। मुझे लगता है कि जितना उन्होंने वहाँ काम किया है साउथ में उसका इतना मतलब एक्सपीरियंस जो है उन्हें एग्जैक्टली पता है भाई कि सीन में मुझे कितना हंसना है, कितना मुस्कुराना है, कैसे देखना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। तो एज अ डायरेक्टर आपको बहुत ज़्यादा उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मुझे लगता है काफ़ी कुछ सब कुछ बल्कि मैं कहूँगा काफ़ी जानती है। वो बहुत अच्छा काम करती है एंड शी इज़ अ फैब, बहुत अच्छी इंसान भी है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है। आथिया की नेचुरली ये सेकेंड फिल्म है बट मैंने बहुत चेंज देखा है पहली फिल्म से सेकेंड फिल्म में। आथिया में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो कान खुला रखती है, वो सुनती है, वो समझती है, वो सुनना चाहती है, समझना चाहती है और वो पूरी ट्राई है उसकी कि मैं अच्छे से अच्छा करूं। तो जैसे ही आप कुछ बोलते हैं तो आप उसका रिजल्ट इमीडिएटली देखते हैं। जब वो शॉट देती है तो आपको लगता है कि जो पिछला शॉट था उससे कितना अच्छा इसने किया। तो मुझे लगता है कि बहुत आगे जाएगी वो और बड़ा प्यारा काम किया है, बहुत अच्छी लगी है। तो इस पिक्चर में लोग जब देखेंगे तो दे विल लव हर। उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है इस फिल्म में एंड मुझे लगता है डे बाई डे हर दिन वो बहुत अच्छा सीख रही है और मजा ले रही है इस काम को। सो यू हैव गिवन बॉलीवुड वन ऑफ इट्स बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर दीवानगी, बट नाउ यू मोर और लेस यू मेक कॉमेडी फिल्म्स, इज इट अ कॉन्शियस डिसीजन? नो, मैं मुझे लगता है कि मैं ऐसा डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। कल को हो सकता है मैं कोई सस्पेंस थ्रिलर शुरू कर दूं, हो सकता है कुछ मैं एक इमोशनल ड्रामा कर दूं, हो सकता है मैं कुछ लव स्टोरी बना दूं, बिकॉज मैंने हर जॉनर की फिल्में लिखी भी हैं और मैंने डायरेक्ट भी किए। वो एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं था लेकिन हाँ रास्ते में जो आया मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार मैं एक साल सवा साल डेढ़ साल इस पिक्चर के साथ उतना ही एक्साइटमेंट में पैशनेटली रह सकता हूँ जो मैं पहले दिन हूँ। वो मुझे बहुत डर ऑलवेज लगा रहता है कि मैं अपना इंटरेस्ट मेरा खो नहीं जाए क्योंकि मैं बहुत पैशन से पिक्चर बनाता हूँ। पिक्चर मेरे लिए सब कुछ है, मेरा उठना बैठना सोना जागना सब कुछ फिल्म हो जाता है। मुझे इसके अलावा कुछ अच्छा लगता भी नहीं है, मुझे कुछ आता भी नहीं है। तो मुझे वो बहुत ज़रूरी है कि ऐसी और उस वक्त ऐसी फिल्में जहन में आई नो एंट्री, क्या यार ये मुझे बहुत अच्छी लगती है तो बहुत एक्साइट था तो मैंने बना दी। फिर मुझे लगा कि यार वेलकम बहुत अच्छी लग रही है तो बना दी। तो इसी तरह वो मुझे लगता है कि साल डेढ़ साल मैं किस चीज़ के साथ रह सकूंगा वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जॉनर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो नो एंट्री की बात हो रही है तो अब आप सबको ये बताइए कि नो एंट्री का सीक्वल हमें कब देखने के लिए मिलेगा? नो एंट्री का सीक्वल जब भी बनेगा मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म होगी, इसलिए कि बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है फिल्म। बट इसका जवाब जो है आपको एग्जैक्टली बोनी जी देंगे। बोनी जी मैं रेडी हूँ, मैंने स्क्रिप्ट लिख ली है। बोनी जी जिस दिन कहेंगे मैं बोलूँगा स्टार्ट साउंड एंड एक्शन। तो ऑडियंसेस को आपकी फिल्म ज़्यादातर करके बहुत पसंद आती है लेकिन कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आपकी फिल्म दिमाग छोड़ के थिएटर में देखने जानी चाहिए, तो उनको आप कैसा रिस्पॉन्स देते हैं? मुझे कोई बुरा नहीं लगता, ठीक है दिमाग छोड़ के जाइए ऐसी जगह जाइए लेकिन वापस आने के बाद आपके पास मिल जाए तो
नहीं, मुझे लगता है देखिए फिल्म जो होती है ना, जो मैं बनाता हूँ या मुझे अच्छी लगती है, वो ये है कि आपने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, आपने अपने दिमाग से बहुत उलझने पैदा की है, आपने अपने दिमाग से बहुत परेशानियाँ पैदा की है, आप हर जगह दिमाग यूज़ करते हैं कि यार मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, तो इतनी टेंस ज़िंदगी जी रहे हैं, तो कभी तो थोड़ा दिमाग को आराम दो, वरना दिमाग जो है एक ऐसी चीज़ है कि वो जो 24 घंटा चलता रहता है, वही एक चीज़ है और एक दिल, हार्ट एंड दिमाग जो चलते रहता है, बाकी सबको आराम कुछ कुछ मिल जाता है, इन दो चीज़ों को मिलता नहीं है, तो अच्छा है कि दिमाग को थोड़ा आराम मिलना चाहिए और आपके दिल को खुशी मिलनी चाहिए, आप हंसें, आपको मज़ा आए, जब आप बाहर निकले तो आपको लगे कि यार मज़ा आया यार, मुझे मेरे नज़दीक फिल्म ये है। ओके, सो दे से कि लोगों को हंसाना एक बहुत मुश्किल काम है, अब आपके ऊपर तो इतना प्रेशर है, तो अभी हर बार लोगों को हंसा पाना आपको कितना मुश्किल लगता है? नहीं, बेसिकली देखिए मैं बताऊँ, कॉमेडी फिल्म लिखना ही अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है और ये एक आर्ट है, मैं कहता हूँ, मैंने सारी हर किस्म की फिल्में लिखी हैं और डायरेक्ट की है, मैं आपको कह सकता हूँ कि मुझे आज भी सबसे मुश्किल जो लगता है लिखना वो है कॉमेडी, इसलिए कि लोग हंसना शायद भूल गए हैं, अपनी परेशानियाँ इतनी हैं उनको कि वो जब हंसते हैं तो दे फील वेरी हैप्पी, अरे हम हंसे हैं यार, मज़ा आया हमको, तो मुझे लगता है कि लोगों को हंसाना सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है, मुझे लगता है एक सवाब का काम भी है, तो वो जिस तरह एक शेर था कि घर से तो बहुत दूर है मस्जिद का रास्ता, आओ किसी रोते हुए बच्चे को हंसाएं, तो मुझे लगता है हंसाना तो एक सवाब का काम है और अगर लोग हंसते हैं मज़ा करते हैं इसमें मुझे भी बहुत खुशी होती है, मुझे मज़ा आता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत दिमाग में फिल्म लेकर बुक लेकर ये क्या है, ये 2+2=4, 4+8, मुझे नहीं लगता है कि मैं इस तरह की फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ जो यहाँ छुए, मैं यहाँ से फिल्म लिखता हूँ दिल से, दिल को छूनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए, ये मेरे सिंपल सिंपल सादे लफ्ज़ों में फिल्म के बारे में सोचना ही है मेरा। तो क्रिएटर्स एंटरटेनमेंट के साथ आपकी एक नई फिल्म आ रही है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अभी बहुत अर्ली है, मुझे लगता है ये 28 तारीख तक तो मैं सांस भी लेने के लायक नहीं हूँ, इतना बिजी हूँ, मेरा सब काम चल रहा है, इसके बाद नेचुरली हम लोग बैठेंगे एंड प्लान करेंगे, क्या है एक बड़ी फिल्म बनाने का प्लान है, खूबसूरत पिक्चर, अगेन वो फिल्म जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग जो है यूज नहीं किए बिना लोग हंसे तो वो भी एक कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी उसमें एक्शन भी है, अच्छा। उसमें सस्पेंस भी है, काफ़ी कुछ है। कास्ट डिसाइड नहीं करी अभी? नहीं, कास्ट डिसाइड की नहीं, किसी को अप्रोच ही नहीं किया, किसी को मिले ही नहीं, कुछ अफवाहें हैं कि भाई ये फिल्म कर रहे हैं और ये वो जो है फिल्म नहीं कर रहा है, लेकिन हमने किसी को ऑफिशियली अप्रोच ही नहीं किया अभी तक। So tell our audiences quickly why they should watch Mubaraka. मुझे लगता है कि अगर हंसना अच्छा लगता है, मज़ा करना अच्छा लगता है और म्यूज़िक अच्छा लगता है, मैंने फिल्म देखी, मुझे अच्छी लगती है और मुझे तो मेरी वो फिल्म भी बहुत अच्छी लगती थी, नो एंट्री, सिंग इज किंग, वेलकम, तो मुझे फिल्म वो अच्छी लगती थी, ये भी अच्छी लगती है, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी, कि मेरी दुआ है कि अच्छी लगे, बड़ी मेहनत से, बहुत लगन से, बहुत पैशन से, बड़े मज़े से फिल्म बनाई, हमने बहुत इन्जॉय किया है, तो आई होप कि पब्लिक भी फिल्म देख के उतना इन्जॉय करे। अनीस जी, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मुबारक। थैंक यू सो मच।